जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि IRNSS यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम अमेरिकन GPS को रिप्लेस करने वाला है। इस पूरी इंफॉर्मेशन को समझने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, इंडियन स्मार्टफोन बिजनेस बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है और आगे आने वाले टाइम में इसमें और ग्रोथ देखने को मिलेगी। और जैसे जैसे स्मार्टफोन यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही नेविगेशन बेस्ड ऐप की काउंटिंग भी बढ़ती जा रही है। जितना एक्यूरेट सैटेलाइट नेविगेशन होगा, उतना ही यूजर यानी हमें फायदा होगा। आपको पता ही होगा कि इंडियन GPS यानी नाविक हमें 5 मीटर की एक्यूरेसी से नेविगेशन प्रोवाइड करने वाला है, जो कि अभी अमेरिकन GPS से 20 से 25 मीटर तक ही मिलती है, क्योंकि अमेरिकन GPS सिस्टम 24 सैटेलाइट से ऑल ओवर वर्ल्ड को कवर करता है, जबकि इंडियन नेविक सिस्टम 7 सैटेलाइट से ऑल इंडिया को कवर करता है, इसलिए इंडियन नेविक ज्यादा एक्यूरेट है। स्पेस एप्लीकेशन के डेप्यूटी डायरेक्टर नीलेश देसाई जी का कहना है, 1 million चिप्स हैज बीन सप्लाइड टू इंडियन स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स फॉर नेविक फॉर मोबाइल, एज नेविक फॉर मोबाइल वुड सून बी ए बज़वर्ड। दोस्तों, 1 million चिप्स सप्लाई किए जा चुके हैं इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को और 2019 में IRNSS इनेबल्ड स्मार्टफोन्स अवेलेबल हो जाएंगे। और इन चिप्स को यूज करने में सबसे पहला नाम आ रहा है चाइनीज मोबाइल मेकर शाओमी का। करंटली शाओमी इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल सेलिंग कंपनी है और इसका बेहतरीन ग्लोबल प्रेजेंस है। 2019 में शाओमी ब्रॉडकॉम BCM47756 चिप यूज करने वाली है अपने आगे आने वाले स्मार्टफोन्स में। ब्रॉडकॉम के एसोसिएट डायरेक्टर मैनुअल डेल कैस्टिलो का कहना है कि ब्रॉडकॉम सपोर्ट्स IRNSS एंड प्रोवाइड सपोर्ट्स टू इट। केवल शाओमी एक ऐसा ब्रांड नहीं है जो ब्रॉडकॉम BCM47756 चिप को सपोर्ट करता है। मैनुअल डेल कैस्टिलो का कहना है कि सैमसंग और हुआवे ये दोनों भी इंटरेस्टेड हैं ब्रॉडकॉम BCM47756 चिप यूज करने के लिए। तो 2019 में ऐसे स्मार्टफोन्स का ट्रेंड शुरू होने वाला है जो नेविक नेविगेशन सिस्टम यूज करते हों, क्योंकि नेविक से हमें बेहतरीन नेविगेशन मिलेगा और इसका एक्विजिशन रेट भी फास्ट है, इसलिए ये सैटेलाइट से जल्दी कनेक्ट हो जाता है और हमें तुरंत लोकेशन प्रोवाइड करता है। इससे ज्यादा अच्छे नेविगेशन एप्स डेवलप किए जा सकेंगे। सैक के डेप्यूटी डायरेक्टर नीलेश देसाई जी ने एक और टर्म नेविक के लिए यूज की है, वो है नेवकॉम। उनका कहना है कि आगे आने वाले टाइम पर नेवकॉम वर्ड फ्यूचरिस्टिक नेविगेशन के इवोल्यूशन को दर्शाएगा। नाविक की एक्यूरेसी अमेरिकन GPS और यूरोपियन गैलीलियो सैटेलाइट्स दोनों से बहुत अच्छी है और ये हमें ग्रेटर एक्यूरेसी, प्रिसीजन और बेटर रेजोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला है। तो 2019 में IRNSS इनेबल्ड मोबाइल गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक बड़ा सा लाइक जरूर दें और हाँ, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।